मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में ठंड का असर अब कमजोर होने लगा है। खजुराहो में शीतलहर का प्रभाव रहा और प्रदेश में सबसे कम तापमान यानी कि 5 डिग्री खजुराहो के साथ साथ नौगांव में भी दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्द हवाओं से तापमान में कमी आई है और ये हवाएं फिलहाल 2 दिन ऐसे ही रफ्तार से चलकर सर्दी बढ़ाएंगी। घने कोहरे की वजह से दृश्यता भी कम है। वहीं दूसरी तरफ बेल्जियम से आए पर्यटक इस मौसम का खूब मजा लेते नजर आए। बेल्जियम से आई एक महिला ने कहा कि उनका 21 सदस्यीय दल खजुराहो के इस मौसम के भरपूर मजे ले रहा है। उनके देश में हालांकि तापमान माइनस में रहता है, इसलिए यहाँ का मौसम उनके लिए लाभकारी तो है, वहीं स्थानीय लोग सर्दियों से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए हैं। अभी इस तरह का मौसम लगभग 2 से 3 दिन तक रह सकता है। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। My name is Marieke and we are from Holland, 20 people from Holland and one lady, she's from Belgium. I think we just arrived today in Khajuraho in the early afternoon and we went straight for a bike ride in the countryside. It was sunny and that was really nice. Beautiful. We saw all the green colors when we visited a very beautiful village. So that was really good. Do you like it's a beautiful village. Yes, it's fine. About their temple? Very nice. We have to see a little temple. Yeah. Tomorrow we go see the other one. Pratish Tripathi, Prabhari Adhikari, Mausam Vibhag, Khajuraho. खजुराहो में कल का टेम्परेचर कितना था मध्य प्रदेश के लिहाज से और आने वाले दिनों में क्या स्थिति होगी? कल खजुराहो में मिनिमम 5 डिग्री था, आज सुबह 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और आने वाले 2 दिन तक जो है फॉग की स्थिति बनी रहेगी। ये किस वजह से खजुराहो इतना ठंडा होता है? इस समय जो है जेट स्ट्रीम चल रही है 12.6 किलोमीटर की हाइट पे और जिसकी स्पीड 140 से 160 नॉट से करीब 225 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। उसके अलावा जो है हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऊपरी चक्रवात जिसे कहते हैं वो नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। एक द्रोणिका जिसको ट्रफ बोलते हैं वो